मार झेल रही जनता के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है और जो नए रेट हैं वो आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे। अभी सरकार पेट्रोल पर 27.90 रुपये और डीजल पर 21.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूलती है। इस कटौती के बाद पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी रह जाएगी। इसके साथ ही रसोई गैस पर भी राहत देते हुए सरकार ने घोषणा की है कि जो सब्सिडी कोरोना की वजह से बंद कर दी गई थी, रसोई गैस पर जो सब्सिडी मिलती थी वो अब 200 रुपये सब्सिडी मिलेगी। इस तरह रसोई गैस भी अब 200 रुपये सस्ती हो गई है। इस तरीके से महंगाई से राहत देने वाली ये बड़ी खबर है।